जिसकी वजह से वो शीशा नीचे गिरा और वो शीशा टूट गया। पुरजोर में बिल्कुल ब्रीक ब्रीक हो गया यार। बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे जब भी मिला ना इसको मैंने पकड़ के चपेड़े मार दिया है। बॉडी वगैरह कैमरे की ऐसे छोड़ गया। वासा से अपना काम खत्म करने के बाद मैं वापस आ गया। उन्होंने ब्यूटी पार्लर ओपन किया था जिसकी वजह से हमें बिल कमर्शियल आने लग गया था। फाइल का पैनल उतार दिया ऊपर से, तो वो कहते हैं इसका पैनल खुल गया। इसको एल्फी बट की होनी है। अपना फोन सेल करने के लिए चला गया। मैंने कह रहा था अभी उसने चेक करना शुरू ही किया तो कैमरा खोला, साथ ही फोन दोबारा ऑफ हो गया। वो पार्किंग के बोर्ड के नीचे गाड़ियां पार्क की हुई है। हर लोग मांगने वाला ना लग रहा है यार, शहर बालो मना करते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। आज हमने चीजें इसका बायकॉट करके बस ये उजैर के लिए काफी है। अब ये उजैर को पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी यार को देख ले लेट के भी है। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी मैं शॉप खुलवा के इधर वापस आ गया हूँ क्योंकि आज मुझे जाना था वासा के ऑफिस और वहाँ पे जाके अपने बिल की करेक्शन करवानी थी। हमें काफ़ी ज़्यादा बिल आया हुआ था तो काफ़ी दिन से मैंने जाना था लेकिन मेरा जाना नहीं हो रहा था, तो आज मुझे टाइम मिला और मैंने सोचा जाके ना इसकी करेक्शन वगैरह करवा लेते हैं। तो अभी चलते हैं जाके बिल की करेक्शन वगैरह करवाते हैं और आपको आके बताते हैं कि ये बिल क्यों इतना ज़्यादा आया था। तो गाइस वासा से अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं वापस आ गया था। वापस आके मैंने लगवाना था एसी के लिए एक ब्रेकर। पहले ब्रेकर आउटसाइड पे बाहर लगा हुआ था तो इसको अंदर करवाना था, तो इलेक्ट्रिशियन वाले अंकल को बुला लिया था। अभी इन्होंने ब्रेकर बाहर से उतार के अंदर लगा दिया है, तो अभी ये काम वगैरह अपना कंप्लीट कर रहे हैं। वासा के ऑफिस से अपना काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं वापस आ गया था। नहीं, वासा के ऑफिस में मुझे ये काम था कि मैंने वहाँ से बिल जो उनसा था उसको ठीक करवाना था। हमें बिल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था कमर्शियल की वजह से क्योंकि अब हमने नीचे एक दुकान दी थी रेंट पे और उन्होंने ब्यूटी पार्लर ओपन किया था जिसकी वजह से हमें बिल कमर्शियल आने लग गया था। और वैसे भी बिल कोई तकरीबन 5-6 साल से जमा नहीं करवाया हुआ था, शाबाश। तो वो कोई 60,000 के करीब बिल था। वो बिल वगैरह ठीक करवाना था, उसके बाद मैंने वहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन देनी थी कि इसको कमर्शियल से हटा के डोमेस्टिक किया जाए। तो वो एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद मैं वापस आते हुए रास्ते में से इलेक्ट्रिशियन को साथ ले आया था। मैंने सोचा गर्मी अभी स्टार्ट हुई है तो एसी को भी ऑन करवा लेते हैं। तो इसका ब्रेकर पहले लगा हुआ था बाहर वाली साइड पे, अब उन्होंने ब्रेकर उतार के कमरे के अंदर लगा दिया। अभी एसी वगैरह तो ऑन हो गया। अभी कल हुई है एक मेरे साथ हरकत, मुझे पता नहीं चला। मैं रात को जब गाड़ी निकाली मैंने यहाँ से, तो मेरी गाड़ी का बैक कैमरा नहीं चल रहा था। मुझे ऐसे लगा कि ना किसी ने शायद ऊपर बम्पर की तरफ कर दिया होगा, तो अभी मैं बाहर जा कर ना इसको ठीक कर दूँगा। तो मैंने ऐसे ही गाड़ी घर खड़ी कर दी। सुबह जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने आके ना लड़के से कहा कि ना यार इसका कैमरा ठीक करो पीछे से। वो कहता है इसके अंदर तो कैमरा ही नहीं है। कैमरा तो नहीं? मैंने कहा कैमरा कहाँ गया? मैंने उतर के देखा तो कोई ना कैमरे का आगे से लेंस उतार के ले गया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसने लेंस का करना क्या, अपने पिछवाड़े पे लगाना है। मुझे इतना गुस्सा चला, मैंने आगे सारी रिकॉर्डिंग चेक की कि गाड़ी सुबह तो कैमरा चल रहा था तो रात में किधर गया। तो सारा दिन रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद अभी मुझे एक लड़का मिला, इसने मेरी गाड़ी का कैमरा उतारा। अभी ये तकरीबन कोई ना 1 से 1.5 घंटा मेरी गाड़ी के आसपास फिरता रहा, 11:30 से लेके कोई 1 बजे तक, 12:57 तक ये फिरता रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसने कैमरा उतारा कैसे है। तो पहले इसके साथ और भी इसके दोस्त वगैरह थे, तो फिर ये अकेला आया, इसने आके मेरी गाड़ी का कैमरा पीछे से उतार लिया। ये काफ़ी देर से ऐसे ही खड़ा था, अभी आप देखें ये खड़ा हुआ बिल्कुल नॉर्मल। तो ये अचानक ही घूमेगा और कैमरा उतार के चला जाएगा। मुझे इसके ऊपर शक भी नहीं हुआ, मैं बल्कि इस टाइम पे मैंने जब अपनी रिकॉर्डिंग चेक किया रूम की तो मैं एलसीडी की तरफ नीचे ही देख रहा था बाहर ही, तो मुझे पता नहीं लगा कि इसने कैमरा उतार लिया। भी ये देखना आपने, बार बार इधर उधर देखता था कि कभी उतारने लगता था मेरे ख्याल से शायद तो कोई आ जाता था, ये रुक जाता था। अभी ये गया है, इसने देखा कोई नहीं आ रहा, अभी ये कैमरा उतारेगा गाड़ी का, ये उतार लिया। अभी ये हाथ में देखेगा अपने, ये देखे। अब मैं इस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे जब भी मिला ना इसको मैंने पकड़ के चपेड़े मार दिया है। एक तो इसने मेरी गाड़ी का नुकसान किया
ऊपर से मेरा टाइम जाया होगा, मुझे जाके इसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले जाके शावर लेते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरा बुरा हाल हुआ है। शावर वगैरह लेके आपको मिलते हैं। तो गाइज अभी मैं शावर वगैरह लेके रेडी हो चुका हूँ, अभी मुझे जाना दुकान पे क्योंकि पापा की कॉल आई थी, उन्होंने प्रोटेक्टर चेंज करवाया किसी से और उसने प्रोटेक्टर को उतारते हुए मोबाइल का पैनल उतार दिया ऊपर से, तो वो कह रहे थे इसका पैनल खुल गया, इसको आके ठीक करवा के आओ। उसके बाद मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन पड़ा था, मैंने इसको भी सेल करना है, तो अभी चलते हैं और जाके वो फ़ोन को ठीक करवाते हैं और इस फ़ोन को सेल करके आते हैं। तो गाइस अभी इससे मिलने, अभी मैं आया था दुकान पे और मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, ये पेट्रोल डालने के लिए आया था बाहर। फेमस आदमी है ये भी, क्या नाम है आपका भाई? लीडो बट। एल्फी बट क्यों नहीं आपका नाम? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हो गया लोग, हो गया ये ले जा पापा का फोन। दुकान से फ़ोन वगैरह लेने के बाद मैं चला गया था सीधा लोड। सबसे पहले मैंने जाके पापा के फ़ोन में ग्लू वगैरह लगवाई, उसके बाद मैं अपना फ़ोन सेल करने के लिए चला गया। मैंने पहले काउंटर पे अपना फ़ोन दिया तो उसने चेक किया सारा, मुझे कहता आप ना मेरे से 11,000 रुपये ले लो, करते करते वो 11,500 पे चला गया। इतनी देर में ना मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ हो गया। अब मुझे पता था ये फ़ोन ख़राब है, इसमें ये फॉल्ट है, तो वो चेक कर रहा था। मैंने उसको बताया मैंने इसकी 6 माह पहले बैटरी चेंज करवाई थी, तो इसको मैंने यूज़ नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा था, मे बी शायद बैटरी दोबारा ख़राब हो गया। मैंने कुछ तो वो कहता ये नहीं मैं लूँगा, ये तो ख़राब है, मुझे 8,000 का दे दो। तो मैंने नहीं दिया, मैं अगले काउंटर पे गया, वो भी चेक कर रहा था। अभी उसने चेक करना शुरू ही किया तो कैमरा खोला, साथ ही फ़ोन दोबारा ऑफ हो गया। पैसा पर तो कहता है ख़राब है, इसके ना बोर्ड में मसला है। अब मुझे कहता है ये सेल ना करो, नहीं होगा, आप इसको ले जाओ ठीक करवा के बेचो। बकवास बंद कर कुत्तिया। मैं वापस आने लगा था तो एक शॉप वाला कहता है यार मोबाइल दिखाओ बेचना। मैंने उसको जाके दिखाया और उसको ना बता दिया पहले ही कि इसकी बैटरी भी ख़राब है, मैंने बैटरी चेंज करवाई थी लेकिन ये फिर भी ऑटोमेटिकली ना ऑफ हो ही जा रहा। तो वो कहता चलो ठीक है मैं चेक करता हूँ। उसने चेक वगैरह किया 5-10 मिनट, मुझे कहता कितने पैसे लेने हैं, मैंने कहा मुझे आना 14,000 रुपये दे दो। तो कहता नहीं 14 में तो नहीं बनता, इसकी बैटरी भी ख़राब है। तो कहता मेरे से 10,000 रुपये ले लेना। तो मैंने कहा नहीं आप फ़ोन दे देना, ऐसे ही करते। कहता याना ले लो चलो। कहता फाइनल लेना है 11,500 दे दूँ। मैंने कहा नहीं फाइनल 13 में दे दूँगा। तो इस तरह हमारी डील हुई, 12 में डील डन होगी। और उसने लिटरली फ़ोन को 10 से 15 मिनट इस्तेमाल किया और फ़ोन में कोई फॉल्ट नहीं आया, बल्कि इससे ज़्यादा यूज़ किया उसने। ई गैजेट किया मेरा सारा, साइन वगैरह करवाए और वो चेक करते हुए भी वो चेक करता रहा। उसमें उसने रीसेट भी मारा, दोबारा फ़ोन को सेटअप भी किया और फिर भी कोई फॉल्ट नहीं आया फ़ोन में। तो मैंने उससे पैसे पकड़े और वापस आते हुए मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया दुकान के पास। तो वहाँ से मैंने लड़के को बुला के उसके हैंड ओवर पापा का मोबाइल किया और बाइक में पेट्रोल वगैरह डलवा के वापस आ गया था। अभी मुझे जाना है गाड़ी का कैमरा वगैरह चेंज करवाने के लिए, तो चलते हैं नीचे और जाके आपको पहले दिखाते हैं कि पुराना कैमरा कैसे टूटा और नया लगवा के आते हैं इसको। तो गाइस अभी ना ये इसने यहाँ से ना इसका लेंस तोड़ दिया, बॉडी वगैरह कैमरे की ऐसे ही छोड़ गया, इसको ऊपर से लेंस तोड़ के ले गया। गाइस हम पहुँच चुके हैं हार लोड, अभी यहाँ से मुझे कैमरा लगवाना है। ये है पाकिस्तान वाड़ा, नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे गाड़ियाँ पार्क की हुई है। यहाँ पे गाड़ी लगाना बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ा काम ही गाड़ी पार्क करना। अभी मुझे यहाँ पे जाना है लेजर साउंड्स पे, जहाँ से मैंने पहले ये कैमरा और पहले वाली एलसीडी लगवाई हुई है। अभी मैं गया था नीचे उनके ऑफिस में, उन्होंने मुझे 2-3 क्वालिटीज़ के कैमरा चेक करवाए थे, तो अभी उनमें से मुझे एक पसंद आया, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, तो मैंने सोचा वही लगवा लेता हूँ। अभी इसकी फिटिंग करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरी गाड़ी का कैमरा वगैरह चेंज हो चुका है, अभी मैंने ये पहले से भी अच्छा आ रहा था, एक कोई किसी कंपनी का था HD में, तो ये वाला फिट करवाया। अभी यहाँ से चलते हैं, रास्ते में जाते हुए मुझे अपने लिए कुछ खाना वगैरह लेना है क्योंकि मुझे भूख लग रही है, तो खाना लेके चलते हैं वापस ऑफिस। आ चुका हूँ अहमद बर्गर पे क्योंकि ये माल रोड से करीब ही था, तो अभी यहाँ से बर्गर वगैरह खाते हैं उसके बाद चलते हैं वापस।
बर्गर वगैरह खाने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। अभी मुझे यहाँ से जाना था ऑफिस और जाके अपने ऑफिस और छत की सफाई करवानी थी, क्योंकि ऑफिस की छत पे कुछ शीशा पड़ा हुआ था। लास्ट नाइट काफ़ी तेज़ आंधी आई थी जिसकी वजह से वो शीशा नीचे गिरा और वो शीशा टूट गया। तो अभी मैंने दुकान पे कॉल की थी और पापा से कहा किसी लड़के को घर भेज दे वो आके, ताकि मेरे ऑफिस की और छत की सफाई कर दे। तो वो कहते हैं अभी लड़के सारे बिजी हैं तो कुछ टाइम तक मैं भेज दूंगा। अभी मैं यही सोच रहा हूँ यहाँ से जाते हुए पहले मैं गाड़ी को वॉश करवाऊँ, क्योंकि गाड़ी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई है, जगह जगह पर निशान पड़े हुए, कहीं पर आइसक्रीम गिरी हुई है। तो अभी यहाँ से चलते हैं और देखते हैं जाके सर्विस स्टेशन पे, अगर तो वो फ्री है तो गाड़ी को वॉश और पॉलिश करवाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सर्विस स्टेशन, यहाँ पे अभी मैं भी शायद एक ही गाड़ी लगी है, इसके बाद मेरी टर्न है। तो अभी गाड़ी को वॉश करवाते हैं और इसको पॉलिश वगैरह करवाते हैं। गाड़ी वगैरह वॉश करवाने के बाद मैं वापस ऑफिस आ चुका हूँ। अभी चलते हैं और ऊपर जाके आराम वगैरह करते हैं जब तक लड़का नहीं आता। तो लड़के के आने के बाद उससे रूम की भी सफाई कराएंगे और छत पे चल के शीशा वगैरह भी साफ करवाएंगे सारा। जैसे ही आगे मैं रेस्ट करने लगा था तो ये पठान आ गया नीचे से। अभी मैं इसको लेकर छत पे आ गया शीशा वगैरह साफ करवाने के लिए, क्योंकि बाहर अंधेरा होने वाला, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी ये शीशा इसी तरह से सामने पड़ा हुआ था और पता नहीं काफी तेजी से अंधेरी आई है जिसकी वजह से नीचे गिरा और सारा टूट के सनाप पुरजोर में बिल्कुल ब्रीक ब्रीक हो गया। यार देखें इसकी कितनी बड़ी लेंथ की है, इसका हशर क्या होगा। अभी इसको उठवा के बाहर फेंकवाते हैं और फिर नीचे चलते हैं। छत से सफाई वगैरह करवाने के बाद नीचे आके मैं सो गया था। पठान ने रूम की सफाई वगैरह की, सारी चीज़ें अपनी जगह पे लगाई और वो वापस चला गया था दुकान पे। तो मेरी आँख वाँख खुली जब मुझे नीचे से कॉल आई, क्योंकि हमने दुकान रेंट के लिए लगाई हुई थी तो किसी क्लाइंट ने देखने के लिए आनी थी, तो वो आगे उन्होंने आके दुकान वगैरह देखी और फाइनल की। वापस मैं नीचे ही खड़ा था और मेरा गर्मी से बुरा हाल हो गया। अभी मुझे निकलना घर वापस घर जाने सॉरी घर के लिए वापस, और घर जाके मुझे जाना बातचीत के साथ कहीं बाहर आज खाना वगैरह खाने के लिए, और उजैर ने भी जाना शायद। तो चलते हैं घर और जाके रेडी होके बातचीत की तरफ चलते हैं। गाइस अभी मैं जल्दी जल्दी से रेडी होकर शावर वगैरह लेके कपड़े चेंज किए। अभी मैंने अपने बाल भी हेयर ड्रायर नहीं किए तो ऐसे ही बाहर आ गया हूँ, क्योंकि उजैर और बासित की कॉल्स आई जा रही थी कि कब आना है कब आना है। अभी चलते हैं बासित की तरफ, पहले जाके मुझे बासित को पिक करना है, उसके बाद उजैर को करना है, उसके बाद अफान को भी लेने जाना आज, क्योंकि अफान काफ़ी टाइम से मुझे कह रहा था कि हम कहीं बाहर नहीं गए, तो आज उसको भी साथ लेके जाना है। तो अभी चलते हैं और जाके आपको सबसे मिलवाते हैं। बासित को पिक करने के बाद हम डायरेक्ट आ गए थे उजैर की तरफ। अभी यहाँ शर्ट पहन के ऊपर से रेडी हो गया, बल्कि बचा पूरा तैयार हो गया। अभी मैं जाके आपको फान से भी मिलवाता हूँ, यहाँ से हमें जाना फान की तरफ। कह रहे हैं हर लोग में मांगने वाला ना लगू ना मैं। वही यार उसेर बालों को ना करते जो मेरे उसीन भी कह रहे। फान को लेने के बाद हम आ गए हैं खाना वगैरह खाने के लिए। आज हमने चीजें इसका बायकॉट करके किसी और जगह पे आए हैं। अच्छा कढ़ाई वगैरह और देसी फूड खाने के लिए। तो अभी ऑर्डर हमने दे दिया, अभी ऑर्डर आता है तो खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम वापस। साहब आपको क्या हुआ इतने परेशान बैठे हो? वैसे तो कभी सीरियस बैठा नहीं है, परेशानी होने लग जाती है। दुखी बैठा हुआ बेचारा, पता नहीं कौन सा दुख लगा हुआ इसका। ले आई लगता फ्लैट में तुझे क्या बात है सर, क्या बात है सर? अच्छा तो गाइस अभी हमारा खाना वगैरह आ चुका है, अभी बाकी भी आ रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही है, उजैर के लिए काफी है। क्या साबित करना चाहता है तू? बाकी ये भाई अभी इस चीज के लिए हाँ हम आ गए फान को ड्रॉप करने के लिए। तो अभी फान भाई को ड्रॉप करके हमें जाना वापस। अभी ये उजैर को पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है मे भी। ओके फान भाई इंशाल्लाह। फान को डोप करने के बाद हम हमेशा की तरह वापस आ गए थे वेफल्स पे कोल्ड कॉफी पीने के लिए। अभी ये भी बैठा हुआ पी रहा और उजैर को देख ले लेट के पी रहा। ये घर में इसको घर में मेरा गाला सोने नहीं देते। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। तो आप हमें ले आए और अपने दोस्त फान को झूठ बोल के छोड़ आए। चुप कर बे कुत्ते। हमने उजैर को रास्ते में ड्रॉप कर दिया था और इस नमूने को भी मैंने अभी छोड़ दिया, बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है। चलते हैं जल्दी से वापस और जाके गैराज के भी लोगों को भी एंड करते हैं।
अभी बारिश काफी तेज होना स्टार्ट हो जाएगी मे बी, मेरी किस्मत शायद ख़राब है। मैंने जब भी गाड़ी वॉश करवाई है साथ ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, उसी दिन ही गाड़ी दोबारा से गंदी हो जाती है। कौन है ये लोग? गाइज अंदर आने के बाद मैंने चेंज वगैरह किया है, अभी मैं लेके आया था अपने लिए वाटरमेलन, तो अभी इसको खा के मुझे सोना है। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।